हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का। तो इसमें भी एक्स की वैल्यू निकालनी है और फिर रिजल्ट को चेक करना है। तो देखते हैं, देखो ये है आपके पास क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे ये ब्रैकेट आ रही है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया करो, ठीक है। तो देखो कैसे, 8x+4 इक्वल टू में, अब ये ब्रैकेट सॉल्व करो, 3 × x 3x, 3 × 1 3, तो माइनस का ये 3 आ गया और ये प्लस का 7, क्लियर। अब देखो इसमें 8x+4 इक्वल टू में 3x, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो प्लस माइनस माइनस होता है एंड द साइन विच इज़ ग्रेटर। तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 7, तो उसके साथ वाला साइन आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करके आंसर आएगा। तो 7 में से 3 माइनस करो कितना आता है, 4, क्लियर है, बहुत ईजी है। अब देखो वही जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, अब तो ये क्वेश्चन सिंपल वैसा ही बन गया जैसे ऊपर था। क्या करना है, x वाली इधर एक तरफ और जो कांस्टेंट है वो एक तरफ, तो 8x, ये 3x प्लस का है तो इधर जाके माइनस का 3x, ये प्लस का 4 है इधर, और ये वाला इधर जाके माइनस का 4। तो देखो प्लस 4 माइनस 4, प्लस माइनस माइनस, 4 क्या हो जाएगा, 0, और 8x में से 3x माइनस करो तो कितना आता है, 5x। अब देखो ये आ गया, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 0, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू से इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। अब देखो जैसे कोई नंबर होता 5/0, तो समथिंग अपॉन में 0, तो ये तो कहती है इन्फिनिटी होती है, बट 0 पर है, 0 अपॉन में समथिंग 0 ही होता है, क्लियर। तो ये 0 आएगा आंसर, इन्फिनिटी का मैंने बताया, अगर नीचे 0 होती है तो इन्फिनिटी आंसर होता है, अब 0 ऊपर है तो ये 0 ही आएगा आंसर, क्लियर है कहानी, ठीक है। अब वही है, इसमें भी चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है, आंसर हमारा 0 है लेकिन चेक तो करना ही है। लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ और राइट हैंड साइड एक तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 8x+4, और ये क्या है हमारे पास, 3x-1+7। तो इसमें इनपुट करो फिर वैल्यू 0, 8 × 0 + 4, 8 × 0 = 4, 4 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उससे पहले इसको सॉल्व करो ब्रैकेट को, 3x-3 + 7, तो 3x + -, साइन विच इज़ ग्रेटर, तो प्लस और 7 में 3 माइनस करो कितना होता है, 4, ये आया है अब हमारे पास, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 है तो पुट करो, 0 + 4, 3 × 0 = 0 + 4, तो 4 आ गया। तो देख रहे होंगे आप कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में क्या है, राइट हैंड साइड है, हैंस क्या लिखेंगे, आंसर इज करेक्ट, क्लियर, और आंसर ये है आपके पास। ईजी है क्वेश्चन, कर लोगे ना इसको, ठीक है, ओके, थैंक यू।